ये हैं रांची के आर्य प्रहलाद भगत। कम उम्र में ही योग के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके आर्य प्रहलाद पिछले 7 वर्षों से लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे कहते हैं कि योग के जरिए मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। योग से मैं अनुभव किया अपने पर्सनल जीवन में, क्योंकि आज के डेट में योग सिर्फ खेल नहीं है या योग सिर्फ रोग से मुक्त कराने वाली चीज नहीं है, योग पूर्ण रूप से जीवन जीने की एक शैली है, कला है। आर्य प्रहलाद भगत कहते हैं कि योग हमारे देश की अमूल्य धरोहर है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निखारने का काम किया है। वे कहते हैं कि कोरोना संक्रमण काल में योग के फायदे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। योग हमारी पुरातन सभ्यता है, जिसको उजागर करने में माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा हाथ है। आज जो हम योग कर रहे हैं, उसका दिन कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री का है, जिसके कारण आज हम लोग योग को जान पा रहे हैं। और इस कोरोना काल ने ही योग का और महत्व बढ़ा दिया, क्योंकि इस कोरोना काल से मुक्त होने के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए योग ही सबसे अच्छा जरिया है। बड़ों के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवक युवतियां भी अब योग से जुड़ने लगे हैं। कॉलेज की पढ़ाई कर रही नुपुर पिछले कुछ सालों से लगातार योग कर रही है और उन्हें योग के फायदे भी नजर आने लगे हैं। कुछ लोगों को मैंने क्लास भी देना शुरू किया पिछले 1 सालों से, और उनको भी मेरा क्लास उनको समझ आता है, क्योंकि जब मैं खुद को अपने आप को जब पाती हूँ कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, तब दूसरों को बताना भी अच्छा लगता है कि हाँ आप भी स्वस्थ हो सकते, और उनको कॉन्फिडेंस से बता पाती हूँ। और बहुत लोगों ने इसको महसूस भी किया है और वो लोग आज इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के यूज से हुई है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या फिर एकजुट होना। मतलब स्पष्ट है कि मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही योग। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट।